हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि अभी आप मेरे फेस पे देख रही हैं। अगर आपके घर पे कोई पार्टी फंक्शन है, हल्दी मेहंदी संगीत या शादी है, या फिर कहीं आप एज अ गेस्ट इन्वाइटेड हैं और आप एक मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो आप इस मेकअप लुक को ईजिली ट्राई कर सकती हैं क्योंकि बहुत आसान है और मैंने बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है या कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूंगी। आज के मेकअप लुक में मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप सेम प्रोडक्ट यूज करें, आपके पास जो मेकअप प्रोडक्ट अवेलेबल हो आप उन्हीं से ही मेकअप लुक इजिली क्रिएट कर सकती हैं। और दूसरी बात जो मैं अपने हर मेकअप वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप बोल्ड लिपस्टिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद की कोई भी लिपस्टिक कैरी कर सकती हैं। मैंने बोल्ड लिप्स इसलिए कैरी किए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे फेस पे अच्छे लगते हैं और बोल्ड लिप आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो आप अपनी चॉइस की लिपस्टिक अप्लाई कर सकती हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ऑयल ट्री मॉइस्चराइजर विथ एप्पल साइडर विनेगर और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। स्मेल थोड़ी सी अजीब है इसकी। बेस मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन और इसमें जो मेरा शेड है वो है 01। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं जो भी आपको पसंद हो। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर और इसमें जो मेरा शेड है वो है 25 मीडियम। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट और इसमें जो मेरा शेड है वो है पर्ल।
आईब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल। आपको पाउडर पसंद हो तो आप वो भी यूज कर सकती हैं। आईशैडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड आईशैडो पैलेट, और इसमें जो मेरा शेड है वो है न्यूट्रल्स 2। मैं यूज करूंगी ये शेड, आईलेट के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शेड, काफ़ी डार्क है, देखते हैं कैसा लगता है। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटीन का लिक्विड आईलाइनर, और अगर आप चाहें तो आप आईलाइनर स्किप कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा, और ये है मेबलिन का द कलोसल मस्कारा। ब्लश के लिए मैं सेम आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ।
लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का मैटिनी लिप क्रियॉन, और इसमें जो मेरा शेड है वो है दी आफ्टर पार्टी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आया हो, आपने वीडियो इन्जॉय किया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।